खबर हाथरस से, जहां पर एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम थाना चमता पहुंची है। घटना की जांच अधिकारी बने सीओ सदाबाद से की जा रही है पूछताछ। तो वहीं थाना चंपा पर ही पीड़ित परिवार के लोगों से एसआईटी करेगी बात। परिवार से बात करने के बाद घटनास्थल की जांच करेगी एसआईटी की टीम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी की टीम जो है वो हाथरस पहुंच चुकी है। तो 3 सदस्यीय टीम जो है वो थाना चंपा जो है वो हाथरस में पहुंच चुकी है और लगातार जो पूछताछ है और उसका सिलसिला एसआईटी का जारी है। घटना के जांच अधिकारी बने सीओ सदाबाद से पूछताछ जो है वो की जा रही है। क्या कुछ अपडेट अभी तक है, क्या कुछ अभी तक किया गया इस केस में, ये सारी अपडेट जो है वो एसआईटी की टीम ले रही है और जांच रिपोर्ट जो है एसआईटी को भी 1 हफ्ते के भीतर जो है वो सौंपनी होगी। तो वहीं थाना चंपा पर ही पीड़ित परिवार के लोगों से एसआईटी जो है बातचीत करेगी और उनका बयान जो है वो एसआईटी लेगी। और क्या कुछ कहना है पीड़ित पक्ष का वो भी चंपा थाना में ही सुना जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड से जुड़ी हुई एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम जो है थाना चंपा पहुंच चुकी है। घटना के जांच अधिकारी बने सीओ सदाबाद से पूछताछ जो है की जा रही है। अभी तक क्या कुछ जो है इस मामले में बढ़ा है, किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, किस तरीके से छानबीन जो है की जा रही है, इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो जांच अधिकारी बने सीओ सदाबाद से जो है एसआईटी की टीम ले रही है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, हादसे से इस वक्त सामने आ रही है। तो वहीं परिवार से बात करने के बाद घटनास्थल की जांच जो है वो करेगी एसआईटी की टीम। तो वहीं हमारे सहयोगी देवेंद्र प्रासर हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, जिस तरीके से एसआईटी की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, तो कोई अपडेट आपके पास आई हो, जिस तरीके से जांच अधिकारी सदाबाद से भी पूछताछ लगातार की जा रही है? जी, आपको बता दूं कि कल एसआईटी की टीम के 3 सदस्य यहाँ पर पहुंचे थे जी, और वो अपनी जांच में जुटे हैं और 8-10 दिन में उन्होंने रिपोर्ट देने की बात कही है। 10 दिन में वो जांच पूरी कर लेंगे। जी जी देवेंद्र, वहीं क्या एसआईटी की जो टीम है उनको कोई खामी इस पूरी जांच पड़ताल में नजर आई? जिस तरीके से पुलिस जो है पूरी जांच पड़ताल अपनी कर रही है, तो इसमें कोई उनको खामी नजर आई अभी तक? कोई ऐसे अपडेट आपके पास निकलकर सामने आई हो? जी, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कल दोपहर बाद ही एसआईटी टीम पहुंची थी और अभी उन्होंने वो जांच शुरू की है। तो ऐसा अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि कुछ खामी नजर आई है। वो अभी जांच में जुटी है और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते तक जांच कंप्लीट हो पाएगी। जी जी देवेंद्र, एसआईटी की टीम जो है वो हाथरस पहुंच चुकी है और लगातार अपनी जांच पड़ताल कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए।